दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या देर रात में भोजन लेना मोटापे का कारण नहीं है? दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। दोस्तों पुरातन विद्वानों ऋषि महात्माओं ने हजारों वर्ष पहले ही हमें बता दिया था कि सूर्यास्त के बाद भोजन करने से मोटापा, गठिया, मधुमेह, प्रमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल वृद्धि आदि सैकड़ों रोग होने लगते हैं, जो न केवल स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं बल्कि आयु व शक्ति क्रांति का भी नाश करते हैं। क्योंकि देर रात में भोजन खाने से पाचन शक्ति यानी शरीर की मेटाबॉलिक पावर जो होती है वो कमज़ोर होकर घटने लगती है, जिससे भोजन का न सही पाचन होता है और न ही शक्ति रस अच्छे से बनता है। और दोस्तों अध कचरे पाचन के कारण हानिकारक रोगकारी विषैला पदार्थ जिसे आम रस कहते हैं, जिसे आंव भी कहते हैं, बनने लगता है। बस यही खतरनाक विषैला पदार्थ शरीर की सारी क्रियाओं को ध्वस्त करने लगता है। बस यही कारण है कि शरीर कमजोरी, मोटापा, गैस, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि सैकड़ों भयानक रोगों के चंगुल में फंसने लगता है। दोस्तों सच तो यह है कि आज हमारे आधुनिक विद्वानों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों ने भी अपने शोधों में आए जो परिणाम हैं उनके कारण मान लिया है कि देर रात में खाया गया भोजन बेहद हानिकारक होता है। इसलिए आम रस का जो बनना है उसका रोकना नितांत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों यही वह आमरस है जो एक कफीय चिकना पदार्थ होता है, जो आंतों में संचित होकर न केवल आंतों में हल्की दर्द पीड़ा करता है बल्कि घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द और बहुत सारी परेशानियां करने लगता है। दोस्तों यही वह आमरस है जो शरीर की समस्त क्रियाओं को बिगाड़ देता है, परेशान करता है। तो दोस्तों इस हानिकारक रोगनाशक पदार्थ को बनने से रोकें और अपने पाचन शक्ति का ध्यान रखें। तो दोस्तों इन तथ्यों पर भी विचार करें, समझें और अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें और मोटापे जैसी जो परेशानी है जो सैकड़ों रोगकारी सेना को साथ में रखती है उसको बढ़ने से रोकें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों अगली वीडियो में मोटापे से संबंधित और अधिक जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।